अभी जो प्राइस है जी वन लैक है कंप्लीट ओके विद कैन कैन ओके चलो ठीक है थैंक यू अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप ये आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने जाने वाला है और मेरा बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि मैं जाऊँ काशी सैलून। और अभी से मैंने अपना दिन स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी फेस वॉश नहीं किया था, बिल्कुल भी मैंने अपना एक क्या कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी, मैंने नाश्ता नहीं किया था, कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा अभी से अपना व्लॉग शुरू बनाना स्टार्ट करूँगी तो मेरे माइंड में रहेगा कि मैंने और भी व्लॉगिंग करनी है, मैंने आज व्लॉग बनाना है, आई हैड टू मेक माई व्लॉग। तो मैंने सोचा कि अभी से स्टार्ट करूँगी तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छी एनर्जी होगी और मैं अच्छे से अपने काम के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकूँगी। तो यहाँ पे जी मैं बता रही थी कि मैं यहाँ पे आज जो जो आज मेरी दिन की रूटीन होगी मैं सारी शेयर करूँगी। और आज मैं बताऊँ और ये भी बता रही हूँ ना कि मैं आज जाऊँगी, बहुत दिनों बाद जा रही हूँ कहीं आउटसाइड। और गर्मी इतनी होती है कि दिल नहीं चाहता कहीं बाहर जाने को, टू मच गर्मी, टू मच हॉट वेदर, और ये दिल बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज का व्लॉग ज़रा मज़े का करते हैं, बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं, देखते हैं क्या क्या आज मतलब मार्केट में क्या क्या आया है और क्या चल रहा है। ईद की शॉपिंग वगैरह ये वो तो चल ही रहा है। बाकी मैं चाहती थी कि मैं सैलून जाऊँ, वहाँ मैंने जाना था मामा को, क्योंकि वहाँ पर कुछ मेकअप का सामान देखना था। तो मैंने कहा ठीक है आप देख लें, कोई मसला नहीं है, देख लें कुछ पसंद आ जाए आता है तो ख़रीद लेंगे। तो चले चलते हैं, काफ़ी टाइम बाद विज़िट करेंगे, क्योंकि जब न्यूली जब ये ओपन हुआ था तो सबसे पहले मैं और मेरी फैमिली यहाँ पर गई थी। तो ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैं यहाँ जा रही हूँ। तो लो जी हम यहाँ अपनी लोकेशन पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे और यहाँ आकर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत एक यू नो एक क्लासी फील आती है कि वाह क्या सीन है। तो यहाँ पे जी मुझे पता नहीं क्या है, मेरे कुछ माइक का इशू हो रहा था तो मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे वॉइस ओवर कर लेंगे, नो इशू नो मसला, हम कर लेंगे वॉइस ओवर, शुरू से करते आने अभी भी कर लेंगे, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जी मैं आके थोड़े से शशके लगा रही थी, शशके मार रही थी कि देखते हैं जी कैसे लग रहे हैं मिरर में, क्योंकि मिरर सेल्फी और मिरर सेल्फी वीडियो है ना जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो सीन था ना, मामा कह रही थी मेरी भी वीडियो स्टूडियो बनाओ, तो मैं अकेले कैमरे के सामने आ रही हूँ। तो यहाँ पर जी हम एंटर हुए और सामने ही मेकअप के सामने बिल्कुल सब प्रोडक्ट्स पड़े थे और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी शॉप उठा कर अपने साथ ले जाऊँ। ये इतना एक्सपेंसिव है कि बंदा अपने आप में भी बेच देना तो बंदा नहीं फिर पूरी प्रॉपर नहीं खरीद सकता, इतनी महंगाई यार, ये महंगी इनकी चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, अगर मुझसे टू बी वेरी हॉनेस्ट अगर मुझसे आप पूछें तो ये यहाँ का जो मेकअप के प्राइजेस है ना वो मेरे ख्याल से मुनासिब हैं और रीज़नेबल हैं। इतना तो चलो बनता है कि अगर हम लोकल भी अगर कोई आईलाइनर या हम लोग लेते हैं मस्कारा या लिपस्टिक तो इतने की आ जाती है जितना यहाँ पे प्राइजेस हैं। सो आई डोंट थिंक ये कोई इतना ये नहीं है कि वर्थ इट नहीं है, एक्सपेंसिव है एंड ऑल दैट, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इतना अच्छा ब्रांड है। मैं कहती हूँ मैक हुदा ब्यूटी कुछ भी इसकी जो काशिश के मेकअप के सामने मुकाबला नहीं है, इसकी क्वालिटी और इसके मेकअप के जो मैं कहती हूँ अखीर है, एंड एंड कमाल है। यहाँ पे जी लहंगे आए थे, मुझे बहुत अरसे से मुझे देखते थे, शादी मुबारक कलेक्शन थी वो मुझे बड़ी पसंद थी, तो मैंने कहा भाई साहब मुझे वो कलेक्शन दिखा दे प्लीज़। शादी का भी कोई इरादा नहीं है, ठीक है करियर बनाना है, फोकस करना है, काम करना है, तो बस अभी के लिए बस मैं लहंगे वगैरह देख रही थी। ठीक है मैंने अभी कसम खाई हुई है, अभी मैंने कोई अपना काम करना है सारा, और तो इस वजह से मैंने सारा अपने काम पर फोकस कर रही थी।
तो काम पे फोकस करना है, ठीक है। अभी लहंगे वगैरह देख के खुश हो रही थी, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं सबको पहले बता दूँ। ओके जी, हाँ जी, मैंने भाई साहब को कहा कि शादी मुबारक कलेक्शन मुझे दिखाएं, मुझे देखनी है। और यहाँ पे देखें, खूबसूरत खूबसूरत हसीन हसीनो तरीन, इतने प्यारे लहंगे यार, बहुत ही खूबसूरत लहंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं ये जो डमीज होती हैं यहाँ पर, इन्होंने एक सैंपल रखा होता है कि आप इस तरह के डिज़ाइंस पर बनवा सकते हैं ऑर्डर पर। और एक मैंने पूछा कितने ये कितने में बन जाएगा, कोई 1 लाख से स्टार्ट होता था और 10-15 तक भी चला जाता था। इतना महंगा यार नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, काम, डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतने एक्सपेंसिव लहंगे नहीं पहने जाते। और इतना भारी था ये दुपट्टा इसका, ओह माय गॉड, इतना हैवी था कि सर पे लो तो बंदे का सर ऐसे पकड़ा जाए कि जैसे पता नहीं क्या कि सर पे कोई लोहा रख दिया, कोई पत्थर रख दिया, इतना हैवी, ओह बहुत हैवी था। जी लेट्स गो, यहाँ पे आना इतना वर्थ नहीं था मुझे लेकर, क्योंकि वीडियो अलाउड नहीं है यहाँ पे। वीडियो बनाना आप थोड़ी सी बना सकते हैं, और वीडियो स्पेशली इतना चैट बॉक्स पर ही है सारा बंदा, स्पेशली ये वाली जगह इतनी खराब ख्याल से नहीं नहीं इधर अलाउड है, तो इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। बदोबती बदोबती, यहाँ की लाइट सोनी, यहाँ पे वैसे मैं फर्स्ट टाइम तो आई नहीं हूँ, सेकंड टाइम यहाँ पर आई हूँ। और अल्लाह ये सच्ची मुझे कम हो रहा है, ये जी काशिश का डिजाइनर बेल। उधर मामा अपना फोटो शूट करवा रही हैं, पूरा एक जंगल की थीम दी हुई है इन्होंने। मुझे तो यहाँ पे आना बिल्कुल वर्थ नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, बहुत कम वीडियो कहते थे आप वीडियो करनी है व्लॉग करना है आप बाहर जाके कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है चल जाते हैं, गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है।
तो जी यहाँ पे आते आते हमारी गाड़ी लेट हो रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाते हैं, कुछ ठंडा वंडा पी लेते हैं। तो फेंटा विंटा नहीं, मैं कराची से नहीं हूँ, ओके आई एम फ्रॉम लाहौर। अगर कोई कराची से देख रहा है तो आई एम सो सॉरी, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रही, ये जस्ट लाइक एक फन है। टिकटॉक पर हम ऐसे वीडियोस देखते हैं तो ये हमारे मुंह से निकल जाता है, ओके। तो जी ये सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट, ये हमारे बचपन का है, मेरे बचपन का, साढ़े नाने दादे परदादे से भी बचपन का रेस्टोरेंट होएगा। और ये रेस्टोरेंट का टेस्ट बहुत अच्छा है, लिटरली मुझे याद है, अभी भी याद है कि बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। लेकिन मेरा वो खाने वाला कोई सीन था नहीं, भूख थी नहीं, तो मुझे था कि कुछ ठंडा वंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ ठंडा वंडा पी लें, फेंटा वंटा पी लें। यहाँ पे मुझे तो फ्री है यहाँ पे। और अच्छा जी, जब हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे पता चला कि हमने कहा मेन्यू कार्ड देखते हैं, चलो क्या क्या है, अगर कुछ टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पता चला जी नहीं, यहाँ पे खाना जो है यहाँ पे ओनली बफेट होता है यहाँ पे, जिसको हम बुफे भी कहते हैं। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई रियली डोंट नो, बुफे कहते हैं या बफेट कहते हैं, जो आपको समझ आता है आप उठा ले। तो यहाँ पे जी बड़े मज़े के खाने थे, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ना क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी बड़े देसी खाने, इटालियन और जो होते हैं देसी खाने, सिरी पाए, और हर किस्म की वैरायटी थी, हर किस्म की वैरायटी थी। और यहाँ पे बड़े मज़े के खाने थे, और मामा उठा उठा के देखते थे, मामा कहते देखते हैं ना कैसे हैं खाने छाने। तो मामा कह रही थी खा लो, मैंने कहा मामा बिल्कुल दिल नहीं है यार, बिल्कुल दिल नहीं है, जब घर से खाना खा के गई, इतना टेस्टी खाना खा के गई हूँ, तो टाइम भी नहीं था ना मेरा, तो मैंने सोचा नहीं इसको रहने देते हैं, तो अभी जस्ट वीडियो बनाते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी। तो सोचा अब यहाँ पर आई हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा ज़रा दिखाऊँ ना कि रेस्टोरेंट में क्या क्या है मज़े के खाने यहाँ पे, और बहुत वैरायटी थी यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ पे डिनर ज़रूर करूँगी। और बहुत अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, इनका स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिंग था। वो अलग बात है कि मैंने कोई वहाँ पे कुछ अभी खाया पिया नहीं है, जस्ट मुझे था कि बस घर चलो घर चलो, वो गर्मी इतनी थी कोई जगह नहीं थी, मैंने कहा यहाँ पे बैठ जाते हैं सुकून से, तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे इतना मज़े का माहौल है। मैं सोचा थोड़ी सी वीडियो व्लॉग कर लूँ, तो मुझे मौका मिल गया व्लॉग करने का, और बड़े मज़े के यहाँ पे खाने थे।
टिकट आप पूछ ओके थैंक यू। हाँ जी, तो ये अभी की वीडियो मैं बना रही हूँ और रात को जब आए थे तो घर पे काफ़ी काम था मुझे, वो सारे काम फिनिश करके मैं सो गई थी टाइम पर और मैंने सोचा कि वीडियो को एंड मैं सुबह भी कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा अभी वीडियो को एंड कर देती हूँ। बड़ी मेहनत से बनाया है ये वीडियो, बड़े मज़े का बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कर मिलते हुए एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाबा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।